हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं विजय चमोला अपने यूट्यूब चैनल विजय चमोला से और पहाड़ की इन खूबसूरत वादियों से। तो चलते हैं ब्लॉग करते शुरू। ब्लॉग होने वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग और आज मैं आपको देने वाला हूं जानकारी 1941 की। तो 1941 और उस समय कैसे लिखा जाता था पत्र और क्या होता था, तो ये सब कुछ दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो जो स्कूल गौरी मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज विजयनगर अगस्तमुनी है, उसके जो नाम लिखा गया है गौरी मेमोरियल, ये जो नाम है ये मेरे दादा के नाम पे रखा गया है। कई लोग पूछते हैं कि गौरी मेमोरियल पब्लिक जो इंटर कॉलेज है वो किसके नाम पे है, तो ये गौरी मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज विजयनगर मेरे दादा के नाम पे है। और मेरे दादा क्या थे, तो मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ, ये वाला। तो दिखाता हूँ मैं अपने दादा के बारे में, दादा का लिखा हुआ लेटर है, देखिए हाथ से, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल होगा, जैसे कैसे टाइपराइटर से लिखा होगा ना, इतनी सुंदर सी राइटिंग है। तो ये मेरे दादा की राइटिंग है और बेबी भी कह रहा है कि ऐसे लिखा है जैसे कि किसने लिखा होगा, कंप्यूटर ने लिखा होगा। तो ये मेरे दादा की राइटिंग है और मेरे दादा का ये लिखा गया पत्र है 1935 का, दिखा तो मैं आप। ये मेरे दादा का लिखा हुआ है 12/9/1935। तो इसमें लिखा हुआ श्रीमान डिप्यूटी इंस्पेक्टर साहब बहादुर शिक्षा विभाग पौड़ी गढ़वाल प्रहुवर, नम्र प्रार्थना है कि सेवक अपनी दीनता की वजह से मौजा रईसानों की राय में मुताबिक 12/9/1935 से कुछ उदर पोषण के लालच से प्राइमरी पाठशाला त्रियुगी नारायण में काम कर रहा हूँ। यहाँ पर लड़कों की तादाद जो कि 45 तक है और नाम दर्ज जिसमें कि 40 हैं, तो नवंबर में पूरे 45 नाम दर्ज हो जाएंगे। और ये पूरा का पूरा लिखा गया है और इसमें लिखा गया मालिक जॉन अर्ज इरसाल निवेदक गौरी दत्त, तो उम्मीदवार हाल त्रिवेदी नारायण। तो ये आपको दिखा लेटर है, तो इससे ये साबित, और लेटर की डेट देखिए आप, ये 1935 का लेटर है और आज मेरे को मिला और मैंने इस लेटर को कराया लेमिनेट। तो जो मेरे दादा थे वो क्या पढ़े लिखे थे, तो त्रियुगी नारायण 1935 में उन्होंने ही प्राइमरी स्कूल की स्थापना करी थी, ये समझ लीजिए आप। यह है लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें कि हिंदी और उर्दू एडवांस। तो ये पहले का सर्टिफिकेट कुछ ऐसा, देखिए लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन एडवांस हिंदी एंड उर्दू विशेष योग्यता, और ये देखिए गौरी दत्त सन ऑफ गोपीराम पास द लैंग्वेज एग्जामिनेशन इन एडवांस हिंदी और उर्दू हेल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1941 पर सेकंड डिवीजन। और देखिए आप कब का बना हुआ, देखा है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक, ठीक है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यूनाइटेड प्रोविंस और BALT राय बहादुर, उस समय के जो रजिस्ट्रार थे, डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन इन यूनाइटेड प्रोविंसेस जुलाई 1941 का। एक मुझे क्या मिला, प्रमाण पत्र मिला, कि इससे ये साबित होता है कि मेरे दादा ने हाई स्कूल के बाद जो उर्दू लैंग्वेज थी वो भी ग्रहण की। हाई स्कूल का भी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ। तो मेरे दादा अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। पहले के ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो मेरे को मिल नहीं पाए, लेकिन जो कुछ मिला वो मैंने लैमिनेट करके अपने पास रखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ देखिए आप, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल, ये है मेरे दादा का डॉक्यूमेंट्स जो कि मेरे दादा ने 1950 में हाई स्कूल करा था, ये मेरे को मिला हुआ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि पहले के डॉक्यूमेंट्स कैसे होता था और मेरे दादा गौरी दत्त चमोला, इसका मतलब हाई स्कूल 1950 में किया। तो दिखाता हूँ मैं आपको सर्टिफिकेट। तो ये है मेरे दादा का सर्टिफिकेट जिसमें लिखा हुआ बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एग्जामिनेशन 1950। ये देखिए आप, तब भी उत्तर प्रदेश हुआ करता होगा बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। और ये लिखा हुआ दिस इज सर्टिफाइड दैट गौरी दत्त चमोला बॉर्न इन फरवरी 1917 पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन हियर द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल 1915 फ्रॉम इन अ गवर्नमेंट वॉर
ठीक है, मेमोरियल हाई और सेकेंडरी स्कूल कर्णप्रयाग गढ़वाल, ठीक है। तो इसका मतलब कर्णप्रयाग में 1950 में भी स्कूल था और ये मेरे दादा ने पढ़ा, जिसमें भी विद द डिस्टिंक्शन इन, तब भी मेरे दादा की, देखिए आप ये देखिए डिस्टिंक्शन थी संस्कृत में, एंड वॉज प्लेस्ड इट द सेकेंड डिवीजन, और सेकेंड डिवीजन उस समय की। इसका मतलब मेरे दादा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थे पढ़ने में। और ये उनका रोल नंबर इधर दिखाई दे रहा है, और ये दिखाई दे रहा है कौन सा सीरीज था, और ये दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट क्या थे, द सब्जेक्ट इन विच ही वॉज एग्जामिन्ड संस्कृत सिविक्स इंग्लिश और हिस्ट्री, और ये लिखा हुआ 15 जून 1950 इलाहाबाद, और ये है वीजे काले MALT, ये है इस समय के सेक्रेटरी। तो डॉक्यूमेंट्स थे मेरे दादा के जो कि मेरे पास इस समय भी मौजूद हैं, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाई स्कूल मेरे दादा की डिस्टिंक्शन थी संस्कृत में भी, और इंग्लिश तो मेरे दादा बिल्कुल फ्लुएंट बोलते थे, इसका मतलब कि वो बहुत ज़्यादा पढ़े हुए थे। और उन्हीं के नाम पे गौरी मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज का हमने क्या रखा, नाम रखा, जो कि इस समय विजयनगर अगस्तमुनि में और देहरादून तिलवाड़ा बहुत सारे के सारे ब्रांचेज हमारे गौरी मेमोरियल पब्लिक इंटर कॉलेज की हैं। तो इसका मतलब मेरे दादा बहुत ज़्यादा पढ़े हुए थे और उन्हीं के नाम पर हमने रखा। तो मैं अपने लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि उस समय का ये मेरे पास एक रिकॉर्ड है कि उस समय का कैसे होता था और आज का कैसे होता है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये दिखाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ मैं कि इतनी सुंदर सी क्या होती थी उस समय राइटिंग हुआ करती थी, जिससे बोलते थे हम कि कलम से लिखा करते होंगे, बांस की जो कलम होती होगी उससे लिखा करते होंगे, तो बहुत ही बेहतरीन सी राइटिंग थी। मैंने आपको दिखाया, तो आपको ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, और मैं आपको ऐसे ही एकदम बेहतरीन चीज़ों से मुखातिब करते हुए दिखाई दूंगा।